डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 5 रेसलर जो 2025 में काफी जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। हालांकि इनका पर जो एज था वो यहाँ पर कम्प्लीटली पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर रेसलिंग कर रहे हैं। और गैस इनमें से एक रेसलर है जिन्होंने अभी से यहाँ पर टीस कर दिया कि वो 2025 में कंफर्म रिटायर होने वाले हैं। वेल इनका तो आप जानते ही होंगे। आइए देखते हैं चार और ऐसे रेसलर जो काफी जल्द ही रिटायर होने वाले हैं जॉन सीना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। इस लिस्ट में यहाँ पर सबसे पहले आते हैं AJ स्टाइल। तो गाइस AJ स्टाइल को काफी समय हो चुका है यहाँ पर डब्ल्यू में रेसलिंग करते हुए। इनके यहाँ पर लगभग 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। AJ स्टाइल का जो पहली बार डब्ल्यू में यहाँ पर डेब्यू हुआ था वो 2001 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर AJ स्टाइल ने काफी सारे रेसलिंग इंडस्ट्री में काम किया, जैसे कि TNA हो गए, उसके बाद जापान रेसलिंग हो गए, उसके बाद WWE हो गया। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर AJ स्टाइल ने 2016 में एक बार फिर से डब्ल्यू में डेब्यू किया था और तभी से लेकर अभी तक यहाँ पर डब्ल्यू में रेसलिंग कर रहे हैं। और उन्होंने काफी सारे परफॉर्मेंस दिखाया जिसकी वजह से यहाँ पर डब्ल्यू के ऑडियंस को काफी एंटरटेनमेंट किया। वेल तो गाइस AJ स्टाइल भी अपने कैरियर के एंड पॉइंट पर आ चुके हैं, अब ये भी काफी जल्दी रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगले नंबर पे आते हैं जॉन सीना। वैसे जॉन सीना ने स्मैकडाउन पर इसके बारे में काफी पहले से ही टीज कर दिया कि वो 2025 में दिसंबर में वो रिटायर होने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर कुछ ही सिलेक्टिव मैच है जिसमें यहाँ पर जॉन सीना फाइट करने वाले हैं और वो उनके कैरियर का ये लास्ट मैच होगा। वैसे तो जॉन सीना पिछले 5 सालों में यहाँ WWE के पार्ट टाइम रेसलर बने हुए वहाँ पर काफी कम ही दिखाई देने को मिलते हैं। और गाइस इस समय जो जॉन सीना का एज है वो यहाँ पर 47 साल के हो चुके हैं। तो आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट जैसे कि रेसलमेनिया हो गया, उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर हो गया, उसके बाद रॉयल रंबल हो गया और मनी इन द बैंक हो गया, इसी से प्रीमियम लाइव इवेंट में जॉन सीना फाइट करने वाले हैं। हालांकि वो वहाँ पर लास्ट टाइम वो कम्पीट किए थे सोलो सिकोवा के साथ रेसलमेनिया 40 में। वैसे गए जॉन सीना के अपोनेंट को लेकर अभी यहाँ पर कोई भी रिवील नहीं हुआ कि आखिर जॉन सीना का कौन यहाँ पर अपोनेंट होगा। वेल तो गए WWE में जब तक यहाँ पर जॉन सीना थे वो WWE के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर में से एक हुआ करते थे और इनको यहाँ पर WWE गोट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ ऑल रेसलर के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर थर्ड पे आते हैं पर एज। तो गाइस एज भी यहाँ पर WWE के काफी पुराने रेसलर हो चुके हैं। इनका भी जो डेब्यू हुआ था WWE वो 1998 के लगभग हुआ था। हालांकि गाइस यहाँ पर जो एज का उम्र है यहाँ पर 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो वैसे आप समझ सकते हैं कि वो काफी ओल्ड भी हो चुके हैं। पर गाइस यहाँ पर एज जब तक यहाँ पर WWE में थे यहाँ पर WWE के काफी अंडररेटेड सुपरस्टार बने हुए थे और जिसकी वजह से यहाँ पर एज ने WWE से काफी बार यहाँ पर रिटायरमेंट लिया, उसके बावजूद भी वो रिटर्न कर रहे थे। वैसे यहाँ पर एज 2019 में ही रिटायरमेंट ले चुके थे, उसके बावजूद भी एक बार उनका रिटर्न देखने को मिला। आने के बाद यहाँ पर WWE का जजमेंट डे फैक्शन बना चुके थे और गाइस यहाँ पर जजमेंट डे बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इनका ही था। उसके बाद यहाँ पर फिन बैलर और डायमंड प्रिस्ट इनको लात मारकर यहाँ पर बाहर कर देते हैं जजमेंट डे से। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं यहाँ पर बेस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर। वैसे गाइस यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का जो कैरियर था वो काफी अमेजिंग था। इन्होंने यहाँ पर केवल WWE में नहीं फाइट किया, उसके बावजूद भी इन्होंने काफी रेसलिंग में फाइट किया है। ब्रॉक लेसनर MMA में यहाँ पर 2011 से ही रिटायर्ड हो चुके थे। उसके बाद ब्रॉक लेसनर 2016 में यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर UFC से भी रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद नेक्स्ट इनका यहाँ पर डेब्यू होता है WWE में। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉक लेसनर एक WWE के लेजेंड रेसलर बन जाते हैं। वैसे तो गाइस यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का जो कैरियर था यहाँ पर WWE में वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग में से एक था और गाइस WWE की एक ऐसे लेजेंड हुआ करते थे जहाँ पर WWE का कोई भी रेसलिंग का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब भी यहाँ पर किसी रेसलर के यहाँ पर सामना होता था उसको काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिसकी वजह से वो दोबारा इनका सामना करना यहाँ भी छोड़ देता था। और खैर फिलहाल अभी तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर एक बार भी यहाँ पर WWE में दिखाई नहीं दिए समर स्लैम 2023 के बाद। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रॉक लेसनर यहाँ पर 2025 में रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर एक बार फिर से यहाँ पर फाइट करने को देखने को मिलने वाले हैं? और गाइस यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के जैसा हमने रेसलर आज तक एक भी नहीं देखा कि इनका यहाँ पर कोई सामना कर पाए WWE में। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर नंबर 5 पे आते हैं R-Truth। वैसे गाइस इस समय R-Truth WWE के ओल्डेस्ट रेसलरों में से एक है जहाँ इनका इस समय एज यहाँ पर 50 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर WWE की ये फुल टाइम रेसलर है, ना कि यहाँ पर पार्ट टाइम रेसलर। वैसे गाइस यहाँ पर R-Truth को WWE एक एंटरटेनमेंट पर्पस के रूप में यहाँ पर रखा है और अभी यहाँ पर हाल ही में R-Truth जो कि 24/7 चैंपियन भी रह चुके थे। तो गाइस यह रहे टॉप 5 रेसलर जो यहाँ पर 2025 में काफी जल्दी रिटायर होने वाले हैं और इनका यहाँ पर काफी एज भी हो चुका है। तो गाइस इस वीडियो में यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।